नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 23 आज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा, लगभग लगभग भूगोल का जो सिलेबस आपके थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम जनवरी 2023 के लिए जो दे रखा है उसका 70-75% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्लासें और बनेगी इसकी। मतलब 5 दिन मान सकते हो, 5 दिन में आपके भूगोल वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है धात्विक और अधात्विक खनिज। कौन से? धात्विक और अधात्विक खनिज बिल्कुल दे रखे हैं, लेवल 1 के लिए भी दे रखे हैं और लेवल 2 के लिए भी दे रखे हैं। ये जो नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, NCERT की किताबें, RBSC की किताबें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं उन सभी का निचोड़ आपको नोट्स के रूप में यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो संपूर्ण डिटेल से हम पढ़ेंगे। साथियों, चलिए शुरू करें आज के इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, यहाँ पर हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 23 है, भूगोल आपके अभी चल रही है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के धात्विक एवं अधात्विक खनिज। बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, धात्विक एवं अधात्विक खनिज राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में। तो राजस्थान से संबंधित खनिज ही आपको पढ़ने हैं। देखिएगा, खनिज टॉपिक क्या है? धात्विक और अधात्विक खनिज। तो इसमें खनिज शब्द का अर्थ हमें सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि टॉपिक ही हमारा ये है। तो देखिए, खनिज क्या होते हैं? जिन भौतिक पदार्थों को धरती से खोदकर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहा जाता है। भौतिक का मतलब जिनका मूर्त रूप हो, जो जगह घेरते हैं, आकार होता है जिनका, जो स्थान घेरते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कहलाते हैं भौतिक पदार्थ। यदि हम उनको धरती से खोदकर निकाले तो ऐसे भौतिक पदार्थों को ही क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। साथियों, ये चीज तो नॉर्मली सभी को पता ही होगी। देखिए, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अजायब घर क्या होता है? जहाँ पर विभिन्न मात्रा में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिले। तो इसको खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिल जाएंगे। देखो, राजस्थान राज्य का जब हमने भौतिक विभाजन पढ़ा था तो हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक तो आपके पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश हो गया था, एक आपके अरावली पर्वतमाला हो गई थी, एक आपके दक्षिणी जो भाग है, दक्षिण पूर्वी जो भाग है, दक्षिणी भाग है, ये हो गया था, और एक आपके पूर्व का मैदान हो गया था। तो साथियों, इन 3-4 भागों में जो हमने राजस्थान का विभाजन किया था, इसमें ये जो अरावली पर्वतमाला है इसके बारे में जब हमने पढ़ा था तो इसमें हमने ये देखा था कि भाई अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो सबसे प्राचीन है मतलब बहुत पहले इसका निर्माण हो गया था। तो राजस्थान के इस क्षेत्र में, ये दिख रहा है ना आपको, अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको सर्वाधिक खनिज देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक, सबसे अधिक खनिज आपको अरावली पर्वतमाला के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों, इसके अलावा जो पूर्व का मैदान है इसमें सबसे कम खनिज है, और आपके जो दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती का पठार है यहाँ पर भी आपको खनिज देखने को मिल जाएंगे। इधर जो आपके रेगिस्तान है इसमें भी आपको खनिज के रूप में जैसे तेल वगैरह है, पेट्रोलियम है, ये चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये आपके जो राजस्थान, ये जो रेगिस्तान है इसमें आपको बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन जिलों के आसपास आपको तेल से संबंधित जो खनिज है, पेट्रोलियम खनिज जिनको हम कहते हैं, तो साथियों वो चीज़ आपको इधर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो, खनिजों के आधार पर अरावली प्रदेश को, ठीक है, मैंने अभी बताया था खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है, ये मैंने अभी बताया था ना आपको। ये जो अरावली पर्वतमाला आपके है साथियों, इसको क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, तो यहाँ खनिज भी सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे, इसीलिए अरावली पर्वत देश को क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, नोट्स बनाते जाना, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी सिलेबस आपको निशुल्क, अभी लगभग 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ सिलेबस, मतलब ये जो कोर्स है इसको शुरू किए, लेकिन फिर भी आपके इतनी जल्दी कोर्स कोई नहीं करवाएगा साथियों, पूर्णतः निःशुल्क है सारी चीज़ें।
पूरी कोशिश रहेगी एक एक दिन में एक एक टॉपिक क्लियर किए जा रहे हैं। कई बार तो जो बड़े टॉपिक है उनमें 2 या 3 दिन मैक्सिमम लग रहे हैं, तो नोट्स भी साथ में लिखते जाना। खनिजों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक हमारे साथी ने कमेंट किया था कि सर आपने फ्लैगशिप योजनाओं को तो कम ही मात्रा में पढ़ाया, तो आप जो राजस्थान जेके पढ़ा रहे हो क्या वो सफिशियंट है? तो मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैगशिप योजनाओं का एक पार्ट आना अभी बाकी है। मैंने अभी आपको सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ाया है, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप। एक बार ये मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 टॉपिक क्लियर कर दूँ, फिर उसके बाद जैसे ही आपके एक और पार्ट है अभी राजस्थान जीके का, उसमें प्रतीक चिन्ह वगैरह, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान के खिलाड़ी है, अनुसंधान केंद्र है, तो उसके अंतर्गत दोबारा से जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो जो पढ़ लिया उसको छोड़ के और चीज़ें मैं आपको वहाँ पर पढ़ा दूंगा, इसलिए मैंने वो चीज़ आपके लिए छोड़ रखी है। ठीक है, खनिजों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो खनिजों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आपके टॉपिक की क्या दे रखा है, एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। ये 2 वर्गीकरण किसके हैं साथियों? ये दोनों वर्गीकरण खनिजों के हैं। देखो, धात्विक नाम से क्या पता चल रहा है, धात्विक मतलब जिनमें धातु पाई जाती है, और अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती है। तो धात्विक खनिजों का भी डिटेल्स अध्ययन करेंगे और अधात्विक खनिजों का भी डिटेल्स अध्ययन करेंगे। क्लियर है सभी के? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, धात्विक खनिज को पहले देखेंगे और इसके अंतर्गत जो जो धातु वाले खनिज होते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में अधात्विक खनिज का आपके टॉपिक शुरू होगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले धात्विक खनिजों को। देखो, धात्विक खनिज हम देखें तो धात्विक खनिज कहते किसे हैं? भाई, खनिज का हमने क्या पढ़ा, जिन भौतिक पदार्थों को जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है उनको तो क्या कहा जाता है, खनिज। और धात्विक खनिज क्या किन्हें कहते हैं, जिन खनिजों में धातु के अंश पाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है साथियों, धात्विक खनिज कहा जाता है। भाई नाम क्या है, धात्विक, धात्विक लिखा था टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। देखो, धात्विक खनिज तो मतलब धातु पाई जाएगी उसमें, अधात्विक खनिज मतलब धातु नहीं पाई जाएगी, लेकिन हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, धात्विक खनिज पढ़ रहे हैं। तो जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं उनको ही क्या कहा जाएगा, धात्विक खनिज कहा जाएगा। देखो, जो धात्विक खनिज हैं जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं इनको भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो लोह धात्विक और एक अलोह धात्विक। समझ रहे हो ना बात को? सबसे पहले हमने खनिज की परिभाषा पढ़ी, फिर खनिजों को 2 भागों में बांटा, कौन कौन से, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज की परिभाषा पढ़ी, फिर इसको भी 2 भागों में बांट दिया, धात्विक को एक तो लोह धात्विक और एक अलोह धात्विक। ये वर्गीकरण किसका किया हमने, धात्विक खनिज का पढ़ा। अब देखो, लोह धात्विक को अलग से पढ़ेंगे और अलोह धात्विक को अलग से पढ़ेंगे। तो पहले लोह धात्विक को पढ़ेंगे जो धात्विक के अंतर्गत आता है, फिर अलोह धात्विक को पढ़ेंगे जो भी आपके धात्विक के अंतर्गत ही आता है। साथियों देखेंगे लोह धात्विक क्या होता है, जिन धात्विक खनिजों में लोह के अंश पाए जाते हैं उन्हें लोह धात्विक खनिज कहते हैं, और जो दूसरे नंबर पे हमने पॉइंट पढ़ा था अभी, अलोह धात्विक खनिज। कौन सा, अलोह धात्विक खनिज। तो इसका इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, जिन धात्विक खनिजों में लोह के अंश नहीं पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाएगा, अलोह धात्विक खनिज कहा जाएगा। साथियों क्लियर है ये? तो भाई नाम से आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो उसका मन में मतलब उसके प्रति उसका जो अर्थ है वो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आता है। जैसे लोह धात्विक मतलब धात्विक खनिज तो है लेकिन उसमें क्या पाया जाएगा, लोह अंश पाया जाएगा। अलोह धात्विक, धात्विक खनिज तो है लेकिन लोह का अंश नहीं पाया जाएगा। अब देखो, धात्विक खनिज में प्रमुख रूप से 2 ही खनिज आते हैं, एक तो लोह अयस्क आता है और एक मैग्नीज आता है। साथियों ये दोनों ही धात्विक खनिजों के अंतर्गत किसके भाग में शामिल होंगे, लोह धात्विक खनिजों में शामिल होंगे। तो लोह अयस्क को पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नीज को। देखो, लोह अयस्क की अगर हम बात करें तो आयरन ओर के नाम से इसको जाना जाता है, लोह अयस्क। ठीक है, देखो लोह अयस्क जो खनिज है इसके भी 4 प्रकार होते हैं साथियों, ये याद रखना है आपको। प्रश्न सीधा सा पूछा जाएगा कि लोह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 4 प्रकार। कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिटेराइट।
ये चारों ही प्रकार किसके हैं? लोह अयस्क खनिज के हैं। लोह अयस्क कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है, और धात्विक खनिज के अंतर्गत भी कौन सा खनिज है? लोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज, देखो लोह अयस्क में लोह धात्विक याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि नाम ही क्या है, लोह, मतलब लोहे के अंश जिसमें पाए जाएंगे। तो साथियों इसके प्रकारों की संख्या कितनी है? चार है। हेमेटाइट प्रकार है, मैग्नेटाइट प्रकार है, लिमोनाइट प्रकार है, और सीडेराइट प्रकार है। ये चारों ही प्रकार आपके लोह अयस्क खनिज के हैं। देखो इन चारों में से भी आपको याद रखना है, राजस्थान में ये जो आपके हेमेटाइट मैंने सबसे ऊपर लिखा है, 75% लोह धात्विक खनिज तो आपके हेमेटाइट पाया जाता है, और जो मैग्नेटाइट मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है, 25% आपके मैग्नेटाइट पाया जाता है। मतलब राजस्थान में लिमोनाइट और सीडेराइट नाम जो ये प्रकार है लोह धात्विक खनिज के, लोह अयस्क के, सॉरी लोह धात्विक क्या, लोह अयस्क खनिज के ये जो दो प्रकार है लिमोनाइट और सीडेराइट, ये दोनों ही राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट 75% और मैग्नेटाइट आपके 25% राजस्थान में लोह अयस्क से संबंधित जो ये प्रकार है ये दोनों ही पाए जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान में लोह अयस्क के कौन से दो प्रकार पाए जाते हैं, तो आंसर होगा आपके हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, एच और एम, एल और एस। तो एच एम मतलब हेडमास्टर, याद रख लेना, कौन से लोह अयस्क का कौन सा प्रकार पाया जाता है, हेडमास्टर प्रकार। हेडमास्टर मतलब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट कितना है, एच 75% और एम 25%, याद रख लोगे सभी। कौन सा नहीं पाया जाता, लिमोनाइट और सीडेराइट नहीं पाया जाता है। साथियों देखो आगे हम बात करेंगे राजस्थान में प्राप्ति स्थल की, तो राजस्थान में लोह अयस्क जो उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी ये वाला जो भाग है, और जो दक्षिणी पूर्वी ये वाला जो भाग है, साथियों इसमें आपके लोह अयस्क पाया जाता है राजस्थान में। तो देखो अगर प्रमुख रूप से देखें तो जयपुर जिले में, उदयपुर जिले में और झुंझुनू जिले में, इन तीनों ही जिलों में, यहाँ पर इनके अलावा और भी है। देखो जयपुर जिले में भी कौन से स्थानों को भी याद रखना है, मोरिजा, बानोल और मोआंडा, इन तीन जगहों पर आपके लोह अयस्क खनिज का उत्पादन किया जाता है, पाए जाते हैं। उदयपुर में आपके नाथरा की पाल में, थूर में और हुंडेर में सर्वाधिक लोह अयस्क के भंडार है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि राजस्थान में लोह अयस्क के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, उदयपुर में है। उदयपुर में कहाँ पर है, तो नाथरा की पाल, थूर हुंडेर, थूर हुंडेर अलग अलग नहीं है, एक ही है, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर में सर्वाधिक लोह अयस्क के भंडार राजस्थान में स्थित है। झुंझुनू में कहाँ है इसके भंडार, तो डाबला और सिंघाना में आपको लोह अयस्क मिल सकता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पर बात करें तो दौसा जिला, अलवर जिला 5वें नंबर पर और सीकर जिला 6ठे नंबर पर आता है। दौसा में देखो जो नीमला, रायसेला और लालसोट, नीमला, रायसेला और लालसोट, ये सारा स्थान कहाँ पर है आपके, ये दोनों ही स्थान, नीमला, रायसेला तो एक ही और लालसोट अलग है, तो इसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका, लोह अयस्क का। लोह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन तो आपके दौसा में होता है, जबकि इसके सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, उदयपुर में है, ऊपर ही तो हमने देखा था। इसके अलावा अलवर में ये कहाँ आपको भंडार मिलेगा इसका, कुशालगढ़, पुरवा और राजगढ़ में किसके लोह अयस्क के आपको भंडार देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो सीकर में भी कुछ जगहों पर, भीलवाड़ा में भी, बूंदी में भी और करौली जिले में भी आपको लोह अयस्क के भंडार मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमने पहला धात्विक खनिज पढ़ा साथियों, पहला धात्विक खनिज पढ़ा, ठीक है, लोह धात्विक, धात्विक क्या, पहला लोह धात्विक खनिज हमने पढ़ लिया है। दूसरा हम मैग्नीज पढ़ेंगे, जो कि दूसरा लोह धात्विक खनिज है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं मैग्नीज, ये मैग्नीज और लोह अयस्क मैंने ऊपर ही बता दिया था, लोह धात्विक खनिजों को हमने दो भागों में बांटा था, कौन कौन से, एक तो मैग्नीज और एक लोह अयस्क। लोह अयस्क को हमने पढ़ लिया है, दूसरे नंबर पे हम मैग्नीज पढ़ेंगे, उसके बाद में, अभी धात्विक खनिज का टॉपिक चल रहा है, उसके बाद में आप क्या पढ़ोगे, आप अलोह धात्विक खनिज पढ़ोगे, जब इस खनिज को पढ़ लेंगे उसके बाद में। तो देखो मैग्नीज को देखते हैं, मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज एक लोह धात्विक खनिज है और ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन बनाना कि मैग्नीज खनिज कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, तो पढ़ा होगा अवसादी चट्टाने,
कायांत्रित चट्टाने, तो ये औषधि से प्राप्त होता है साथियों। इसे सभी व्यवसायों का आधार कहा जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब सभी व्यवसायों का आधार। सभी व्यवसायों का आधार किस खनिज को कहा जाता है? मैग्नीज को कहा जाता है। इंग्लिश में क्या पूछा जा सकता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड खनिज कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा मैग्नीज। हिंदी में आ सकता है, सभी व्यवसायों का आधार किस खनिज को कहेंगे? तो आपका आंसर होगा मैग्नीज। मैग्नीज कौन सा खनिज है? तो मैग्नीज धात्विक खनिज है। धात्विक के अंतर्गत भी कौन सा खनिज है? लोह धात्विक खनिज है साथियों। कौन सा है? लोह धात्विक खनिज है। किससे प्राप्त होता है? औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है। देखो आगे हम बात करें तो जो मैग्नीज है इसके जो मुख्य अयस्क हैं यह है पायरोलुसाइड, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। ये तीनों ही अयस्क किसके अंतर्गत आते हैं? मैग्नीज के मुख्य अयस्कों के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक उत्पादन व भंडार बांसवाड़ा जिले में आपको मैग्नीज का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थान में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण और सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपका उत्तर होगा बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिला आपके दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है साथियों। यहीं पर सर्वाधिक मैग्नीज का भंडार भी है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी आपके मैग्नीज का कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा जिले में ही होता है। इसके पहले जो हमने लोह अयस्क पढ़ा था, लोह अयस्क में हमने क्या देखा था कि सर्वाधिक भंडार तो कहाँ पर है? उदयपुर में। जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? दौसा में होता है। पढ़ा था ना हमने इस चीज़ को। देखो आगे हम बात करें तो बांसवाड़ा के लीलवाना, तलवाड़ा, कालाकुटा, लोहारिया, नरडिया इन इत्यादि स्थानों पर आपको मैग्नीज खनिज के भंडार और उत्पादन देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर और राजसमंद जिले में भी मैग्नीज खनिज पाया जाता है साथियों। उदयपुर में कहाँ पर? देबारी, बड़ी सार, छोटी सार, नेगड़िया इत्यादि स्थानों पर आपको उदयपुर में मैग्नीज खनिज मिल जाएगा। और राजसमंद में नाथद्वारा और नगेड़िया। साथियों नेगड़िया अलग है और नगेड़िया अलग है। नगेड़िया कहाँ है? राजसमंद में, और नेगड़िया कहाँ है? उदयपुर में। तो इन स्थानों पर भी आपको मैग्नीज जो खनिज है इसका उत्पादन और भंडारण देखने को मिल जाएगा। तो मैग्नीज में ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है औषधि चट्टानों से मिलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है सभी व्यवसायों का आधार, जैक ऑफ ऑल ट्रेड इसे कहेंगे, सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाएगा? बांसवाड़ा में। कौन से इसके मुख्य अयस्क है? तो पायरोलुसाइड, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट ये इसके मुख्य अयस्क है। तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इसका जो उपयोग किया जाता है मैग्नीज का वो किस में किया जाता है? तो इस्पात निर्माण में, रासायनिक उद्योग व सूखे सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। इस्पात निर्माण में भी मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं, और जो सूखा सेल होता है ना, सूखा सेल जैसे पहले जो रेडियो चलता था उसमें सेल डालते थे अपन साथियों, तो वो सेल चार्ज होने के बाद में जब उनमें जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है तो हम उनको फेंक देते थे। तो उनमें जो सूखा सेल होता है उसमें मैग्नीज का ही प्रयोग किया जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अलोह धात्विक खनिज को देखेंगे, जिसमें देखो अलोह धात्विक वह धात्विक खनिज जिसमें लोह अंश नहीं पाया जाता है। लोह अंश नहीं पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? अलोह धात्विक खनिज कहा जाता है। तो हम अब जो अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? अलोह धात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो सबसे पहला आपके आता है इसमें तांबा, जिसको कहा जाएगा कॉपर। इंग्लिश में तांबे को क्या कहा जाता है? कॉपर कहा जाता है। सबसे पहले हम तांबा के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें हम अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत, मतलब धात्विक खनिज तो है लेकिन धात्विक का कौन सा प्रकार है? ये अलोह धात्विक खनिज के प्रकार है। तो देखो तांबे की बात करें, यह अलोह धातु में सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। भाई धात्विक खनिज है लेकिन धात्विक में कौन सा है? अलोह। अलोह मतलब जिसमें लोह के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि अलोह धातु में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है, तो कौन सा है साथियों? तांबा जो है ये आपके अलोह धातु में सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। तांबे को आग्नेय, कायांत्रित और औषधि चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। जबकि अभी हमने जो खनिज देखा था साथियों मैग्नीज खनिज,
उस मैग्नीज को कौन सी चट्टानों से प्राप्त करते थे? अवसादी से। जबकि जो आपके तांबा है, कॉपर है, इसको आग्नेय चट्टानों से, कायांत्रित चट्टानों से और अवसादी तीनों प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तांबा ही था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तो आपका उत्तर होगा तांबे का सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों। आगे हम बात करें, सर्वाधिक तांबा आपको राजस्थान में झुंझुनू जिले में देखने को मिलेगा। झुंझुनू जिले को खेतरी नामक जो स्थान है झुंझुनू में पड़ता है, इसको ताम्र जिला कहा जाता है। देखो झुंझुनू को ताम्र जिला क्यों कहेंगे? क्योंकि सर्वाधिक तांबा कहाँ पर है? झुंझुनू में है साथियों। खेतरी सिंगाना नामक स्थान पर भारत की तांबे की सबसे बड़ी खान भी स्थित है। तो तीन चार चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख रखी है। देखो झुंझुनू को तांबा जिला कहा जाता है, तो तीन चार चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। पहली चीज़, झुंझुनू को तांबा जिला कहा जाता है, या फिर सर्वाधिक तांबा भी कहाँ पर मिलेगा? झुंझुनू में। दो चीज़ें क्लियर है, ताम्र जिला झुंझुनू को कहेंगे। स्थान कौन सा है? खेतरी। खेतरी नामक जो स्थान है इसमें सिंघना पड़ता है। यहाँ पर सिंघना नामक स्थान पर भारत की तांबे की सबसे बड़ी खान है साथियों। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहीं से बनेंगे आपके। तांबे से संबंधित अगर प्रश्न आया तो खेतरी, झुंझुनू, सिंघना, इन तीनों स्थानों को विशेष तौर पर याद रख लेना। ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ उदयपुर को। आहड़ सभ्यता जो है ना साथियों, उदयपुर में जो पड़ती है। अभी हमने सभ्यताओं के बारे में पहले मैंने पढ़ाया था आपको, आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ नदी के किनारे है यह सभ्यता। देखो इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है, और जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है ये आपके गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, जो आपके सीकर जिले में पड़ती है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? सीकर जिले में। इसको कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो एक एक फैक्ट आपको हर एक चीज़ को लिखना है और याद करना है। आगे हम बात करें तो एशिया में बनी पहली भूमिगत जो खदान है यह खेतरी की जो तांबे की खान है, ये एशिया में बनी पहली भूमिगत खदान है। और इसके कितने अंदर तक, जमीन के कितने अंदर तक ये बनी हुई है? 370 मीटर अंदर तक आपके ये खदान बनी हुई है साथियों। लगभग 75 सालों तक, आने वाले 75 सालों तक यहाँ से तांबे का उत्पादन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भूकंपरोधी जो प्रक्रिया है, भूकंप भी आता है तो इस खदान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से इस खदान को खोदा गया है। कौन सी खदान को? ये जो आपके खेतरी की तांबे की खदान है, एशिया की पहली भूमिगत खदान, इसको साथियों। तो ये विशेष फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो आपके तांबा है ये कहाँ पर उत्पादित होता है। तो देखें, प्रमुख उत्पादक स्थल अलवर में भी तांबे का उत्पादन होता है, उदयपुर में भी होता है, सीकर में भी होता है और भीलवाड़ा में भी होता है। तो अलवर में कहाँ पर? खोदरीबा और सावर में। उदयपुर में कहाँ पर? देलवाड़ा, अंजनी, सलुम्बर और देबारी में। सीकर में कहाँ पर? रघुनाथपुरा, निमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोकन व मीरा कनागल, और भीलवाड़ा में पुनबनेड़ा। इन स्थानों पर प्रमुख रूप से तांबे का उत्पादन किया जाता है। जबकि तांबा जिला कौन सा है? झुंझुनू है साथियों। झुंझुनू में खेतड़ी नामक स्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे दूसरे नंबर पे जो आपके खनिज आता है वो है आपके सीसा जस्ता खनिज। तो देखो सीसा जस्ता जो खनिज है, इसको सीसा जस्ता अयस्क इसको आप कह सकते हो। तो देखो इसको इंग्लिश में कहेंगे लीड एंड जिन ओर। तो ये जो खनिज है सीसा जस्ता, ये जुड़वा खनिज है। ये हमेशा साथ निकलता है साथियों। सीसा जस्ता कभी भी अलग नहीं निकलता है। इस चीज़ को विशेष तौर पर याद रखना, ये खनिज हमेशा साथ निकलते हैं। इसी वजह से इसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। साथ मतलब मिश्रित अवस्था में। राजस्थान में सीसा एवं जस्ता मिश्रित अवस्था में सल्फाइड्स के रूप में मिलता है। किसके रूप में? सल्फाइड्स के रूप में। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान में मिश्रित अवस्था में सल्फाइड्स के रूप में कौन सा खनिज मिलता है, तो आपका आंसर होगा सीसा जस्ता। दोनों साथ निकलते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। देखो आगे हम बात करें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। किसका? सीसा जस्ता का। और एक चीज़ और याद रखना है, राजस्थान का प्रथम उत्पादन सीसा गेलेना नामक अयस्क से मिश्रित रूप में देश में मात्र राजस्थान में ही पाया जाता है। देखो
जो आपके सीसा जस्ता है साथियों, ये कौन से अयस्क में पाया जाता है? गेलेना नामक। यहाँ पर मैंने कितने स्टार लगा रखे हैं? इधर भी 3 स्टार, इधर भी 3 स्टार, मतलब 6 स्टार लगा रखे हैं। तो जो सीसा है जस्ता है, ये गेलेना नामक अयस्क से मिश्रित रूप में पाया जाता है। कौन से अयस्क से? गेलेना नामक अयस्क से। जस्ता गलाने हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के देबारी उदयपुर व चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान में जस्ता गलाने के लिए किस किस स्थान पर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो एक तो उदयपुर में और एक चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर? चंदेरिया में। और उदयपुर में कहाँ पर? देबारी में। किसने ये संयंत्र स्थापित किए हैं? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा ये संयंत्र स्थापित किए। साथियों, कितने स्थानों पर ये संयंत्र स्थापित किए गए हैं? 2 स्थानों पर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर में देबारी में और चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया में। तो देखो, आगे हम बात करें प्राप्ति स्थल की, तो सीसा जस्ता जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में भी मिलेगा, राजसमंद जिले में भी मिलेगा और भीलवाड़ा जिले में भी मिलेगा। भीलवाड़ा में कहाँ पर? रामपुरा अगोचा। विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया कि विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान कहाँ पर स्थित है? तो भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में किस स्थान पर है? रामपुरा अगुचा में विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान है। साथियों, राजसमंद में आपके बामनिया कला और राजपुरा दरीबा में प्राप्ति स्थल सीसा जस्ता के हैं। नोट करके लिखा है, राजपुरा दरीबा में सीसा जस्ता के शोधन हेतु एक स्मेल्टर प्लांट स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है साथियों कि कौन से स्थान पर सीसा जस्ता के शोधन हेतु एक स्मेल्टर प्लांट स्थापित किया गया है? तो राजपुरा दरीबा में। कहाँ पर? राजपुरा दरीबा में, जो आपके राजसमंद जिले में पड़ता है। सीसा जस्ता के शोधन हेतु एक स्मेल्टर प्लांट स्थापित किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान कहाँ पर है? रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में। तीसरे नंबर उदयपुर पे अगर हम बात करें तो उदयपुर की जो जावर खान और देबारी है, इन स्थानों पर आपको सीसा जस्ता प्राप्त हो जाएगा। देबारी उदयपुर में जो पड़ता है साथियों, इसमें सीसा जस्ता शोधक यंत्र स्थित है। कहाँ पर? देबारी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो यहाँ पर भी सीसा जस्ता शोधक यंत्र स्थित है। अलवर में गुड़ा किशोरी दास नामक स्थान पर प्राप्ति स्थल है। अजमेर में जोपार और तुर्गी नामक स्थान पर प्राप्ति स्थल है। डूंगरपुर में मांडो की पाल पर प्राप्ति स्थल है। और सवाई माधोपुर में चौथ का जो बरवाड़ा है साथियों, यहाँ पर सीसा जस्ता प्राप्ति स्थल है। तो ये मैंने सारे स्थान यहाँ लिख दिए हैं, सबको यहाँ पर पता होगा। विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान कहाँ है? भीलवाड़ा में रामपुरा अगुचा नामक स्थान पर। जो राजपुरा दरीबा आपके राजसमंद में पड़ता है, इसमें सीसा जस्ता के शोधन हेतु तो क्या क्या स्थापित किया गया है? स्मेल्टर प्लांट स्थापित किया गया है। सीसा जस्ता शोधक यंत्र कहाँ है? देवारी उदयपुर में। तो ये चीज़ें विशेष तौर पे आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम चांदी के बारे में बात करेंगे। हम कौन से खनिज पढ़ रहे हैं, भूल तो नहीं गए ना? अभी हमारे धात्विक खनिज चल रहा है। धात्विक खनिज में लोह धात्विक खनिज पढ़ लिए थे, अब अलोह धात्विक खनिज पढ़ेंगे। अलोह धात्विक खनिज में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? एक तो तांबा पढ़ लिया, तांबा के बाद में यहाँ पर सीसा जस्ता पढ़ लिया, तीसरे नंबर पे आपके चांदी आती है। दूसरा नहीं, तीसरा नंबर होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखो, वो कोई मायने नहीं रखता है, आपको पढ़ना है चांदी, सिल्वर जिसको कहते हैं। आभूषण में इसका प्रयोग करते हैं साथियों, महिलाओं के द्वारा इसके आभूषण बना मतलब खरीदे जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। चांदी की कीमत भी बहुत अधिक होती है। राजस्थान का प्रथम स्थान, राजस्थान का एकाधिकार किसमें है? चांदी में है। देखो, भंडारण व उत्पादन में भी चांदी की अगर हम बात करें भारत में, तो चांदी के उत्पादन में और चांदी के भंडारण में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब सर्वाधिक मात्रा में भारत में चांदी का भंडारण और उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है। साथियों, चांदी सीसे व जस्ते के साथ निकलती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना सीसा जस्ता, उसी के साथ कौन सी धातु निकलती है? एक और चांदी निकलती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि चांदी किन धातुओं के साथ निकलती है? तो आंसर होगा आपका, चांदी सीसे जस्ते के साथ निकलती है। विद्युत का सबसे बेहतरीन सुचालक है साथियों, चांदी जो धातु है ये
यह विद्युत की सबसे बेहतरीन सुचालक है, मतलब इसमें इससे जो तार बनाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है या बेहतरीन सुचालक है, तो आपके जो सिल्वर है ये विद्युत की सबसे बेहतरीन सुचालक धातु है। जावर की जो खान है उदयपुर, जावर की खान कहाँ पर पड़ती है, उदयपुर, ये सबसे बड़ी चांदी की खान है और ये खान महाराणा लाखा के समय की है। जो लाखा लक्ष्य सिंह जो हमने पढ़ा है इतिहास में, हमने पढ़ा था ना पहले रीट एग्जाम से पहले जो पात्रता एग्जाम हुआ था, तो उसके पहले मैंने आपको इतिहास जब पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था महाराणा लाखा के समय जो जावर नामक स्थान है वहाँ पर चांदी की खाने मिली थी साथियों, तो ये उदयपुर में ही पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई राणा लाखा मेवाड़ का ही तो शासक था, अब आगे हम बात करेंगे चांदी के बाद में सोने की। सोना मतलब नील लेना नहीं, सोना गोल्ड जिसकी 10 ग्राम की कीमत 50 से 60 हज़ार रुपये होती है, 10 ग्राम की, मात्र 10 ग्राम की कीमत 50 से 60 हज़ार रुपये होती है साथियों। सोना बहुत ज़्यादा महंगा है, जितनी कीमत 1 kg चांदी की होती है उतनी कीमत 10 ग्राम सोने की होती है, नॉर्मली एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली, क्योंकि चांदी की रेट भी 55-60 के आसपास रहती है और 10 ग्राम सोना भी 50 हज़ार से अधिक में मिलता है साथियों। तो प्राप्ति स्थल की बात करें तो सोना का नाम लेते ही आपको बांसवाड़ा याद रखना है और चांदी का नाम लेते ही आपको उदयपुर याद रखना है, तो दोनों बिल्कुल आपके दक्षिणी जिले हैं। देखो जगतपुरा भुकिया, घाटोल, आनंदपुरा भुकिया और तिमरान माता, ये आपको बांसवाड़ा के जो जिला है इसमें स्थान पड़ते हैं। जगतपुरा भुकिया, आनंदपुरा भुकिया, घाटोल और तिमरान माता, इन स्थानों पर सोने के प्राप्ति स्थल है साथियों, जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। एक चीज़ है प्राप्ति स्थल है, निकाला नहीं गया है जमीन के अंदर ही अभी। इंडो गोल्ड जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इसने बांसवाड़ा जिले के जगतपुरा भुकिया और आनंदपुरा जो भुकिया क्षेत्र है इसमें स्वर्ण भंडार की खोज किसके द्वारा की गई है, इंडो गोल्ड कंपनी के द्वारा, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। सिर्फ खोज की गई है, भंडारों की खोज की गई है कि भाई यहाँ पर सोने के भंडार है, उनको निकाला नहीं गया है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। बात करें तो सोना प्रकृति में सबसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है सबसे महंगा और सबसे शुद्ध माना जाता है। राजस्थान में अभी तक स्वर्ण के दोहन का कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ भंडार मिले हैं, दोहन का कार्य मतलब सोने को अंदर जमीन से नहीं निकाला जा रहा है, सिर्फ भंडार मिले हैं। और ये जो आपके आनंदपुरा भुकिया और जगतपुरा भुकिया नामक स्थान है इसमें सोने के भंडार किसके द्वारा खोजे गए हैं, इंडो गोल्ड ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्राप्ति स्थल कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, सिर्फ प्राप्ति स्थल है, आपको अभी निकालने नहीं है वहाँ से, मतलब निकालना शुरू नहीं किया है, तो आप चाहो तो चले जाओ निकाल सकते हो, 10 ग्राम 50 हज़ार में बेच सकते हो। देखो सीधा सा सोना नहीं निकलता है, उसको सही करना पड़ता है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, पांचवें नंबर की जो धातु है, तो साथियों ये आपको उदयपुर व कोटा जिले में देखने को मिल जाएगी। पृथ्वी की ऊपरी परत में पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है, एल्यूमिनियम है, और ये इसका जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। कौन सा अयस्क है इसका, बॉक्साइट अयस्क है। तो एल्यूमिनियम में सिर्फ इतना याद रखना है कि राजस्थान के कौन से जिलों में मिलेगा, उदयपुर और कोटा में। सबसे ऊपरी परत पर पाए जाने वाली सर्वाधिक धातु भी कौन सी है, एल्यूमिनियम है। तार वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किए जाते हैं साथियों, तार मतलब जो विद्युत के जो तार होते हैं उनका प्रयोग, उनका उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, टंगस्टन छठी धातु जो है आपको यहाँ पर सिर्फ एक तो जो कि भाई ये कहाँ पर मिलेगा, उदयपुर कोटा में, ये विशेष रूप से याद रखना है, और इसके अयस्क याद रखना है, अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। तो चलिए छठे नंबर की ओर बढ़ते हैं, छठे नंबर पे जो धातु आती है वो है आपके टंगस्टन। कौन सी धातु, टंगस्टन। तो राजस्थान में जो टंगस्टन है ये वुल्फ्रेमाइड अयस्क से प्राप्त होता है। कौन से अयस्क से, वुल्फ्रेमाइड अयस्क से ये प्राप्त होता है, और इसका उपयोग, इसका टंगस्टन का उपयोग विद्युत साज सम्मान, सम्मान नहीं, विद्युत साज सम्मान मतलब विद्युत के जो सामान होते हैं उनके, उनको बनाने में, विद्युत बल्ब का निर्माण करने में, मतलब इसको अपन नॉर्मली गांव में क्या कहते हैं, लट्टू कहते हैं ना, लट्टू विद्युत बल्ब, उसका निर्माण भी टंगस्टन से बनाया जाता है। रक्षा विभाग को सप्लाई भी यहाँ पर टंगस्टन
का किया जाता है। क्यों? क्योंकि रक्षा विभाग के द्वारा अस्त्र शस्त्र बनाने में भी टंगस्टन का प्रयोग होता है। प्राप्ति स्थल की बात करें तो आपके जो नागौर है, आपके जो सिरोही जिला है, इनमें टंगस्टन के प्राप्ति स्थल है। नागौर में कहाँ पर? डेगाना, भाकरी, सेवरिया, बीजाथल और पीपलिया, इन स्थानों पर किसकी प्राप्ति हुई है? टंगस्टन की। सिरोही में आबू व वाल्टा में टंगस्टन की प्राप्ति हुई है। टंगस्टन उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का एकाधिकार है, मतलब सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। साथियों क्लियर है सभी के? तो देखिएगा नेक्स्ट सातवें नंबर पे बात करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम के जो प्राप्ति स्थल है वो उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा, इन जिलों में आपको बेरिलियम धातु की प्राप्ति स्थल हुई है और इसका जो उपयोग है आणविक रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है साथियों। जबकि विरल नामक खनिज से प्राप्त होने वाला षटकोणीय आकृति वाला एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है, तो मतलब ये विरल नामक खनिज से प्राप्त होता है। पहली चीज तो बेरिलियम धातु कौन से खनिज से प्राप्त होता है? विरल नामक खनिज से ये प्राप्त होता है और इसकी आकृति षटकोणीय आकृति वाला जो एल्यूमिनियम है उसके सिलिकेट से ये बनाया जाता है। तो ये आपके प्रमुख अलोह धातु खनिज, धात्विक खनिज थे। कौन से? अलोह धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो लोह धात्विक भी पढ़ लिया और एक अलोह धात्विक भी पढ़ लिया। अभी इसकी दो क्लास और बनेगी, आपके ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो दो क्लास और इसकी आने वाली है। 24वीं क्लास और 25वीं क्लास भी आपके खनिजों की आएगी साथियों, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल से, भले आप यूं मत सोचना कि भाई ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम फिर भी नहीं लगेगा, डिटेल से और पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, एक और वीडियो आ जाएगा। आरटी का जो टॉपिक है कम से कम 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आरटी अकेले एक टॉपिक से, तो इस टॉपिक को बिल्कुल घोलकर पी जाना है और इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 10-11 बजे के लगभग एक वीडियो मिलेगा, उसमें देखने को मिल जाएंगे। लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।